लाहौर हाईकोर्ट में बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज दूर करके दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने इस्तफसार किया कि ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट ने हल नहीं कर दिया था। पीटीआई के वकील ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि इलेक्शन एक्ट की शिकों को चैलेंज नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमने मार्च में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिर से सवाल उठा दिए। अब इलेक्शन एक्ट की मुतल्लिका शिकों को चैलेंज कर दिया है। इससे कबल रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज आयद किया था और दरखास्त मुतल्लिका फोरम पर दायर करने की हिदायत की गयी थी। लाहौर हाईकोर्ट में बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज दूर करके दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने इस्तफसार किया कि ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट ने हल नहीं कर दिया था। पीटीआई के वकील ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि इलेक्शन एक्ट की शिकों को चैलेंज नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमने मार्च में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिर से सवाल उठा दिए। अब इलेक्शन एक्ट की मुतल्लिका शिकों को चैलेंज कर दिया है। इससे कबल रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज आयद किया था और दरखास्त मुतल्लिका फोरम पर दायर करने की हिदायत की गई थी।